देखो सामने वाला ब्रिज भाई अंडर कंस्ट्रक्शन में, अभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है ये। कुछ कुछ ब्रिज तो ऐसी है ना फ्लाईओवर जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, बट कुछ कुछ इनका भाई, और यार सेकंड गियर ये देखो एक साइड का इनकम्प्लीटेड है। यहाँ का ना पेड़ा और फिर जो नाश्ता होता है ना, यहाँ का बहुत फेमस है भाई, चाय। तो जय श्री राम गाइज, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, आज अपन लोग संडे राइड पे निकलने वाले हरनौत की तरफ, बिहार शरीफ टू हरनौत 4 लेन पे। तो आप लोग आज दिखाने वाले गाइज वीडियो और फिर 4 लेन दिखाने वाले। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मस्त होने वाला है, क्योंकि 4 लेन आज आपको दिखाने वाले बिहार शरीफ टू हरनौत। शायद बख्तियारपुर भी जाएँ तो वहाँ तक भी दिखाएंगे। तो ये तो भाई अपन लोग बाइक निकालेंगे, रेडी होंगे उसके बाद ही बता सकते हैं। तो चलो अभी अपन लोग घर से निकलते हैं रेडी होके। सो भाई अभी ये अपना R15 और फिर अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके। तो ये सामने की साइड देख रहे हो, ये अपना टाटा मोटर्स है और फिर सामने की साइड हाईवे। तो आज आपको गाइस कंप्लीट टूर दिखाएंगे पूरा हाईवे का। यहाँ से अपन लोग मे बी हरनौत या बख्तियारपुर जहाँ तक भी हो, अच्छा हाईवे वहाँ तक दिखाएंगे। तो अभी अपना बाइक स्टार्ट होता है और फिर ये देखो ये कुछ वायर बचा हुआ था तो इसको भी अपन लोग सेटल कर देंगे बहुत ही जल्दी और भाई स्टार्ट। तो काफ़ी दिनों के बाद ये 4 लेन, जैसा कि मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बताया था ना कि अपन लोग 4 लेन का टूर करेंगे। तो लो भाई आप लोग के लिए तो कुछ भी, इधर से कोई गाड़ी आ रही है? नहीं आ रही है। सो बाइक अपना चल रहा है सेकंड गियर में 17-16 का स्पीड और ये देखो सामने की साइड हाईवे, मतलब काफ़ी मस्त सा लग रहा है। बीच बीच में थोड़ा बहुत टूटा फूटा भी होगा क्योंकि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है ना, बट भाई मतलब व्यू देखो ना तो काफ़ी भयानक सा लग रहा है यार। इधर में देखो पेट्रोल पंप नीचे के साइड ही और प्लस अपना बाइक 4th गियर पर 32 का स्पीड, ये देखो यहाँ पे टूटा हुआ है। मैं मतलब ऐसा सोचा था क्योंकि एक सेकंड वाली ब्रिज पे गया था ना तो बीच में थोड़ा बहुत टूटा हुआ था, तो शायद यहाँ पे भी ढलाई होगी इन फ्यूचर आने वाले में, बट ये देखो गिट्टी देख रहे हो भाई, मतलब ये सारा गिट्टी ना बहुत ज़्यादा असर करती है टायर को, जो पुराना टायर होता है ना बाइक का उस पर काफ़ी ज़्यादा असर करता है ये सब गिट्टी। बट क्या ही बोल सकते हैं, 4 लेनिंग ऑफ रजौली टू बख्तियारपुर कार प्रगति पर है, कृपया धीरे चले। बात सही है यार, धीरे चलो क्योंकि कार्य अभी प्रगति मतलब अभी चल ही रही है, तो इसलिए धीरे चलो, कहीं भी रोड टूटा फूटा मिल सकता है। सो जान बची तो लाखों पाए ऐसा होता है। और फिर भाई मैंने बिहार शरीफ में नहीं देखा था बट बिहार शरीफ भी काफ़ी मस्त होता जा रहा है यार। ये देखो इधर हरियाली पूरा एकदम दिख रहा है, होप कि दिख जाए। टमाटर गिर गया, अरे भाई 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 भाई, ये भाई कितना मेहनत से एक फसल मतलब वो भी गिर गया यार रोड पर, उनको पता भी ना चला। सोचो 6th गियर हो चुका है, मेरे को लगा ना मैं अभी तोड़ रहा था एक और गियर नीचे की ओर ऊपर की ओर स्लाइड कर रहा था, बट देखा यार 6th गियर टूटा हुआ है। सोचो जब हाईवे पे आती है ना तो भाई तुम 2 गियर 3 गियर पे नहीं चला सकते हो, लाइक 4, 5 गियर 6 गियर तक सही है गाड़ी। ये सब्जी सुबह सुबह का टाइम है ना, 7 बज रहा है अप्रोक्स, हाँ बोल सकते हैं अप्रोक्स 7 बज रहा है मे बी। ये देखो सब्जी पूरा मार्केट सारा किसान लोग तोड़ के लाते हैं ना और फिर यहाँ पे जो ठेला पे बेचते हैं ना मार्केट में वही यहाँ से लेके जाते हैं और फिर बेचते हैं, या फिर जो ना बिका ना उसको ये लोग बाजार समिति में दे देते हैं सस्ता भाव में और वो लोग फिर काफ़ी महंगा में बेचते हैं। ये क्या चाहिए, फूल गोभी देखो, ये भाई क्रेटा, अगर इसको चाहे ना तो अपन लोग पीछे छोड़ सकते हैं बट जानते हो ना सेफ ड्राइव, अपने को उतना ओवरटेक नहीं करनी है क्योंकि ओवरटेक बहुत ही खतरनाक होता है भाई, इसी कारण से अपना स्पीड देखो 54, बट मैं 80 तक चला सकता हूँ, सही है यार 80 तक, तो चलो अपन लोग 80 तक ट्राई करके देखते हैं।
अरबिका के साइड ये रूट चला जाता है, जो यहाँ से राइट साइड दिख रहा है, राइट साइड टर्न हुआ ना, ये बरबीघा की तरफ चला जाता है। और ये देखो सामने वाला ब्रिज भाई अंडर कंस्ट्रक्शन में, अभी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है ये। कुछ कुछ ब्रिज तो ऐसे है ना फ्लाईओवर जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, बट कुछ कुछ इनकम्प्लीटेड है। जैसे मान लो ना यही देख लो, इनकम्प्लीट है बट फिर भी स्टार्ट है। और साइड दोनों साइड वाला में एक साइड कंप्लीट है, एक साइड वाला देखो हाल भाई। और यार सेकंड गियर ये देखो, एक साइड का इनकम्प्लीटेड है, अभी आधा ही कंप्लीट हुआ, इधर थोड़ा सा बचा हुआ एक साइड का, बट कोई ना सही है यार, बट कंप्लीट कर दो तो सही है। 2024 तक तो ऐसा मानना है कंप्लीट हो जाएगी, संभावना ही है, बट हो जाएगी यार। संभावना क्या मतलब, 2024 में ही कंप्लीटेड है ये। टूटा फूटा रोड में भी स्पीड अपन लोग, मतलब मैं ना टूटा फूटा रोड में ना मैक्सिमम में 15-20 का स्पीड ही लेता हूँ, क्योंकि बाइक भी सही रखना है ना अपने को। ये देखो एक तरफ का बंद किया हुआ है और ये एक तरफ का चालू है। सामने की साइड ट्रक को देखो कैसे, मतलब अपना लाइन में नहीं साला चढ़ के, यही सब के कारण ना दुर्घटना ज़्यादा होता है। ये देखो एक साइड का पूरा बंद है, ये इधर देख रहे हो शायद मोड़ा तालाब नीचे के साइड है, मे बी होप कि नीचे के साइड वही है। ये देखो वही है मोड़ा तालाब नीचे ही है। यहाँ का ना पेड़ा और फिर जो नाश्ता होता है ना, यहाँ का बहुत फेमस है भाई, चाय पेड़ा और फिर उसके साथ ना पेड़ा के साथ एक ये लोग सेमी देते हैं, वो बहुत ही फेमस है यहाँ का। तो अपने तरफ से मैक्सिमम 5 से 6 किलोमीटर पड़ती है, और फिर अपन लोग 5 से 6 किलोमीटर तय भी कर चुके हैं। ये देखो भाई व्यू तो काफ़ी मस्त आ रहा है, ये मोड़ा तालाब है देख रहे हो, तालाब देखो कितना मस्त है, पानी कितना साफ लग रहा है। अपने को ना ये सब पानी ऐसे देखते ना तालाब में तो नहाने का मन करता है, बट क्या ही बोल सकते यार, नहीं नहा सकते अभी, ठंडा टाइप का भी मौसम अभी कर चुका। और फिर देखो नीचे के साइड वो मंदिर, और नीचे से रास्ता भी काफ़ी अच्छा बन चुका है। पिछले वाले वीडियो में आप लोग नीचे का रास्ता देखे होंगे, ऊपर का तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और अपना बाइक दोनों साइड का देख रहे हो लाल लाल कितना सूट कर रहा है, ये देखो रेड ये बटन और रेड इसका ये क्लिप, मस्त लग रहा है। और इधर ग्रीन भाई डिवाइडर। सामने की साइड वो ब्रिज कैसा है, मतलब ट्रेन वाला जो कि नूरसराय की तरफ ये रूट खुलती है। मैं ना एक दो बार जो मैंने नूरसराय वाला वीडियो बनाया था ना, अगर आप लोग को नहीं पता हो नूरसराय रेलवे स्टेशन का वीडियो, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ जाके वो वीडियो देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छा वीडियो है यार वो वाली, तो प्लीज़ देखना यार। और फिर ये यहाँ से टर्न होती है नूरसराय की तरफ, बिहार शरीफ का रूट ना जो सोसराय हॉल्ट है वहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये टर्न होती है नूरसराय की तरफ। ये देखो डायरेक्ट गया ना नूरसराय की तरफ, दो ही ट्रेन चलती है, एक सुबह और फिर एक शाम। ये टूटा फिर से रोड, ओ भाई ये भी मोड़ा तालाब में ही आता है। यहाँ का पेड़ा देख रहे हो, जैसे निश्चलगंज का फेमस है ना वैसे ही, मतलब इधर भी, बट निश्चलगंज तो कुछ ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत दूर दूर पेड़ा जाता है यार, मतलब विदेश के लोग भी आते हैं वहाँ पे खाने के लिए निश्चलगंज का पेड़ा। तो आप लोग बोलना अगर निश्चलगंज का पेड़ा का वीडियो चाहिए, तो अपन लोग आप लोग के लिए ज़रूर लाएं। वो सुबह सुबह जय श्री राम बोल के उठोगे ना, या फिर कहीं भी जाओ जय श्री राम का नारा लोगे ना, तो भाई दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जाती है, बहुत ही अच्छा भाई। ये 4 लेन आने से ना जो साइड साइड वाली ज़मीन है ना जिस किसी का भी भाई, इतना ज़मीन का रेट इधर बढ़ चुका है ना। शांति डूट हॉस्पिटल, ये मतलब यार ऊपर का जो लाइटनिंग है ना काफ़ी भयानक प्यारा सा एकदम दे रहा है लुक ये सब रोड का, प्लस ग्रीन ग्रीन जो दिया हुआ है ना डिवाइडर वाला, ये वाला काफ़ी प्यारा सा लुक देता है इसको रोड को,
मतलब ये सब लाइट कंटिन्यू रह गया ना तो भाई मतलब धांसू हो जाएगा। जब ओपनिंग होगी ना तो ये सब जो भी डस्ट सब दिख रहा है सारा कुछ सफाई हो जाएगा, उसके बाद इसका ओपनिंग होगा, क्योंकि ओपनिंग के टाइम कुछ भी ख़राब नहीं रहना चाहिए। बस वो देखो कॉलेज, मैंने बोला था ना वो कॉलेज पूरा नालंदा का भाई, पूरा बिहार का सबसे बड़ा डेंटल कॉलेज है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो एक बारी गूगल भी कर सकते हो, बिहार का सबसे बड़ा डेंटल कॉलेज तो वो बेना में ही मिलेगा, बेना से पहले रहुई के साइड ऐसा बोल सकते हो, यही वाला। पीछे हॉस्टल भी है, आगे की साइड कॉलेज है। अरे भाई क्या हुआ, हवा नहीं है क्या अपना टायर में, पता नहीं चल रहा। तो पीछे के साइड वो दिख रहा है, वो सब कुछ बिल्डिंग है ना, उसमें हॉस्टल है बॉयज़ और गर्ल्स का, प्लस कुछ टीचर्स भी यहाँ पे रहते हैं, और आगे के साइड पूरा पढ़ाई वाला, प्लस जो भी होता है ना क्या उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, ये सब जो होता है वही होता है, मेरे को उतना कुछ पता नहीं है, तो उसी के बारे में सारा कुछ पढ़ाई से रिलेटेड है। आगे ये वाली देख रहे हो ऊपर का व्यू, काफ़ी ख़तरनाक वाला है कॉलेज का। और ये भाई साहब नज़ारा देखो यार भाई, कत्ते ही भयानक वाला नज़ारा है। इधर नर्सरी और ये नज़ारा देखो भाई, है ना भयानक वाला नज़ारा है ना, मेरे को ऐसा मानना है यार, नज़ारा तो काफ़ी धांसू सा लग रहा है। फाइनली भाई ये देखो टोल टैक्स अपना, मैंने पिछला वाला वीडियो में जिक्र करा था ना, अभी देखो ना ये टोल टैक्स काफ़ी भयानक लग रहा है। ये टोल टैक्स मैं आपको बीच बीच रोड से लेके जा रहा हूँ, ये देखो कितना भयानक लग रहा है ना टोल टैक्स देखने में। देख रहे हो एरिया काफ़ी भयानक सा, बहुत ही बड़ा सा एरिया है भाई, बहुत ही बड़ा, पूरा बिहार का बोल सकते हैं ना, पूरा बिहार का सबसे बड़ा टोल टैक्स है। अब यूपी दिल्ली में तो टोल टैक्स है ही नहीं भाई, वो तो बाहर निकलने के बाद टोल टैक्स है। तो यूपी हरियाणा जहाँ का भी हो, मुंबई सब कहाँ का टोल टैक्स, वो सब तो मैं नहीं देखा हूँ, यूपी का देखा हूँ टोल टैक्स है, एक बड़ा सा टोल टैक्स देखे, बाकी ज़्यादातर तो छोटा ही देखे अपन लोग। तो ये देखो मतलब टोल टैक्स तो काफ़ी धांसू लग रहा है। सो फाइनली भाई अपन लोग टोल टैक्स के पास आ चुके हैं, लाइक पीछे की साइड देख सकते हो टोल टैक्स है, और फिर अभी से एक अपना हेलमेट लिया हुआ प्लस कैमरा उसी में है, अपन लोग उसी में वीडियो बनाए थे, संडे राइड ब्लॉग वाली बनाए हैं, तो ये वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो प्लीज़ गाइज देखना। और अभी अपन लोग टोल टैक्स के पास ही लास्ट की है वीडियो, क्योंकि मेरे को अर्जेंटली कॉल आ गया, कुछ ऐसा अर्जेंट है उसके कारण अपने को घर जानी है, तो ये अपन लोग हरनौत के तरफ पूरा नहीं जा पाए, बट हाँ नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना हरनौत रेलवे स्टेशन, उसमें अपन लोग प्रॉपर हरनौत तक कवर करेंगे, तो आपको फोर लेन भी दिख जाएगा प्लस रेलवे स्टेशन, दोनों का वीडियो आप लोग को एक वीडियो में मिल जाएगा सिंगल पैकेज में। तो प्लीज़ गाइस मेरे को थोड़ा सा काम है इसी कारण से रिटर्न जा रहे हैं, तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। तो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय।